श्री माधव सत्संग सेवा आश्रम हरियाणा से संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के भक्ति भाव से प्रचार प्रसार के लक्ष्य को लेकर हरियाणा से महाराष्ट्र तक मोटरसाइकिल पर निकले परम भक्त संत माधवदास महाराज का देवली में श्री नामदेव मारवाड़ी टाक क्षत्रिय दर्जी समाज द्वारा स्वागत किया गया। नामदेव धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में नामदेव जी महाराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान माधवदास महाराज ने नामदेव जी भगवान के जीवन चरित्र से जुड़ी कथा एवं भजनों का वाचन किया। गुरु भक्तो, आज देवली में आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। संत नामदेव जी महाराज के एक मिशन को लेकर के ये यात्रा निकली है। अखिल भारतीय विठल नामदेव सेवा आश्रम के निर्माण हेतु ध्वज यात्रा नारनौल हरियाणा से लेकर के पंढरपुर तक की जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय विठल नामदेव सेवा आश्रम का निर्माण कर इस संस्था के माध्यम से संत नामदेव जी महाराज के साहित्य, उनके अभंग, उनकी अनुभववाणी और उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इस उद्देश्य के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस संस्था से जुड़े और संत नामदेव जी के महाराज के जितने भी साहित्य हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें। ऐसी मैं आप सबसे अभिलाषा रखता हूं। और जिस प्रकार से आप सब ने एक ध्वज के नीचे आने का जो संकल्प लिया है और आपने तन मन धन से मुझे सहयोग देने का जो आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरिओम। नामदेव जी महाराज का एक अभंग है जो गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक पद सम्मिलित है, उन्हीं में से एक पद संत नामदेव जी का है। हसत खेलत तेरे देह वेरे आया, भक्ति करत नामा पकर उठाया, हिंडी जाति मेरी जाति में आया, छिपे के जन्म काहे को आया, ले कमले चलियो पलटा, देहुरा पाछे बैठा जा, जो जो नामा हरिगुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। संत नामदेव जी महाराज जब ओड़िया नागनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए थे तो उस समय कहते हैं कि शिवरात्रि का पर्व था और श्रद्धालु जनों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। संत नामदेव जी महाराज मंदिर का दर्शन करके वहीं बैठ करके विठल भगवान के गुणगान करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, तो आसपास के श्रद्धालु लोग भी वहां आकर के बैठ करके उन भजनों का आनंद लेने लगे और भजन कीर्तन करते करते इतने मगन हो गए कि पता ही नहीं लगा कि प्रातः कब हो गई। सुबह जब पंडित लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए तो वहाँ भीड़ देख करके उनको वो साइड में करने लगे और संत नामदेव जी को देख करके कहा कि भाई आप दूर हट जाएं, आप निमन जाति के हो, हमें छू जाओगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। संत नामदेव जी ने कहा कि भाई इसमें जाति पाति का क्या बात, आप जाइए अपनी पूजा पाठ कीजिए। इतना कहने के बाद उनको गुस्सा आया और संत नामदेव जी महाराज को बुरा भला कहने लगे और यहाँ तक कि संत नामदेव जी महाराज को धक्का मार करके मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब संत नामदेव जी महाराज अपना कमंडल लेकर के मंदिर के पिछवाड़े में आकर के बैठ करके विठल भगवान से शिकायत करने लगे कि हसत खेलत में तेरे देवरे आया, कि मैं तो हंसते खेलते तेरे दर्शन करने के लिए आया था, तेरी भक्ति करने के लिए आया था, नामा भक्ति करत हाथ पकड़ के मेरे को बाहर निकाल दिया और मेरी हीन जाति बताया, मेरे कहते हैं कि मेरी जाति निम्न है, मैं हीन जाति का हूँ, तो फिर मैं छिपे के कुल में क्यों जन्म आया, मेरा क्यों जन्म हुआ, और यदि मेरी जाति इतनी निमन थी
तो फिर मुझे भक्ति क्यों दी, मुझे उच्च कुल में आप जन्म देते और उच्च कुल में मेरे को भक्ति देते। तो इस प्रकार संत नामदेव जी विठल भगवान से शिकायत करते हुए विठल जी के कीर्तन करने लगे। तो जो जो नामा हरि गुण उचरे, जो जो संत नामदेव जी महाराज हरि का नाम उचरने लगे, तो भगत जना को भगत की लाज रखने के लिए विठल भगवान ने मंदिर घुमा दिया। आज ओड़िया नागनाथ मंदिर आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिसका दरबार द्वार आज पश्चिम की ओर है। तो संत नामदेव जी महाराज की जब उस प्रतिष्ठा का पता लगा तो उन्हें बताए कि हम आपको पहचान नहीं पाए। तब संत नामदेव जी महाराज ने उनको गले लगाते हुए कहा कि का करो जाति कह करो पाती, राम नाम जपो दिन राती, अर्थात इस जाति पाति के बंधन से मुक्त हो और उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर अपना आत्म कल्याण करे। इस प्रकार संत नामदेव जी महाराज ने नाम की स्मरण की महिमा पर प्रकाश डाला है, जोड़ दिया है। बोले सतगुरु नामदेव महाराज की जय हो, विठल भगवान की जय हो। हरिओम। पंडरपुर में आवे काहे दाना नहीं मन बावे, आओ विठल के बतला आरती नामदेव महाराज बताओ कारण नाना। जय जय नामदेव महाराज बताओ महाराज रणवीर जी महाराज की, सब संत महाराज।